मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गैर मुल्की असर रसूख की रजिस्ट्री डायस्पोरास को निशाना ना बनाए। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि कनाडा के शहरियों के तहफ्फुज के लिए बेहतर तरीके तलाश करने की जरूरत है। मुश्किल तारीखी तजुर्बात से हमें सीखने की जरूरत है। शाम में 2 कैनेडियन खवातीन और 3 नौउम्र लड़कियां लापता खवातीन को कनाडा वापस आने वाले ग्रुप में शामिल थीं। खवातीन के वकील का कहना है कि उन्हें संगीन खतरा लाहक हो सकते हैं। सूडान में फोर्सेस के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। सूडानी फौज और बागियों की झड़प में अमरीकी सिफारतकार फायरिंग की जद में आ गए। फौज और पैरामिलिट्री फोर्स की झड़प में 595 अफराद जख्मी भी हुए। चीनी खुफिया पुलिस स्टेशन कायम करने के इल्ज़ाम में अमेरिका में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक दोनों अफराद ने चाइना टाउन में खुफिया पुलिस स्टेशन बनाया हुआ था। गिरफ्तार अफराद को मुख्तलिफ इल्ज़ाम का सामना है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा की क़यादत का कहना है कि अगर मामला तय नहीं पाए गए तो कानूनी हड़ताल की पोजीशन में मौजूद तमाम कारकुन बुध को हड़ताल करेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा की क़यादत का कहना है कि कानूनी हड़ताल की पोजीशन में मौजूद तमाम कारकुन बुध को हड़ताल करेंगे अगर वो रात 9 बजे तक किसी मुहैदे पर नहीं पहुंचते हैं। ज़रूरी कारकुनों की हड़ताल के साथ PSAC ने कहा कि 1,00,000 से जायद कारकुन पूरे कनाडा में मुलाजमत छोड़ सकते हैं, जिससे बहुत सी खिदमत मुतासर होंगी। नेशनल PSAC के सदर कर्स एलवर्ड ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूनियन और हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कुछ पेशरफ्त की है, लेकिन उजरत, मुलाजमत की हिफाजत और दूर दराज के काम जैसे अहम मसाइल पर अभी भी बहुत दूर हैं। उन्होंने कहा कि वो आखिरी तारीख तय कर रहे हैं क्योंकि मुहैदे तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। ये मुहैदे 2021 में ख़त्म हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बातचीत की है और ट्रेजरी बोर्ड के एक बयान में दोबारा कहा है कि वो ऐसे मुहैदों की तलाश कर रही है जो सरकारी मुलाजमीन के लिए मुनसिफाना हो और टैक्स दहिंदगान के लिए माकूल हो। हमारे पास मेज़ पर एक अच्छी पेशकश है
और हमारे मुलाजमीन के लिए तजदीद शुदा इज्तिमाई मुहायदों पर इत्तेफाक राय तक पहुँचने के लिए काफ़ी मुश्तरका बुनियाद मौजूद है। उसने PSAC कारकुनों के इस बड़े ग्रुप के साथ अपनी बातचीत के बारे में कहा, जिसे ट्रेजरी बोर्ड यूनिट कहा जाता है। PSAC की अवामी सतह पर बयान करदा तवज्जो तब्दील हो गई है। हाल ही में ये ज़िंदगी की ज़्यादा लागत की वजह से बढ़ती हुई उजरत के बारे में बात करना चाहता है और इसका कहना है कि हुकूमत की पेशकशें इसकी ज़रूरियात से कम है। ये ट्रेजरी बोर्ड के कारकुनों के लिए 3 सालों में 4.5% इजाफा चाहता है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एहतियात की ताकीद की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि गैर मुल्की असर व रसूख की रजिस्ट्री डायपोरास को निशाना न बनाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एहतियात की ताकीद की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि गैर मुल्की असर व रसूख की रजिस्ट्री डायसास्पोरास को निशाना न बनाए। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पीर को दूसरी आलमी जंग के दौरान जापानियों और अतालवी कैनेडियंस की नज़रबंदी का हवाला दिया, क्योंकि उन्होंने कनाडा से गैर मुल्की असर व रसूख की कोशिशों को ट्रैक करने के लिए रजिस्ट्री को अपनाने के लिए बढ़ते हुए मुतालबात के पेश नज़र एहतियात की ताकीद की। ऑटावा के नवाही इलाके में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रूडो ने तस्लीम किया कि कनाडा के हालिया इंतखाबात में चीन की मुबैना मदाखलत की इत्तलात के बाद वफाकी हुकूमत को कनाडा के शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए बेहतर तरीके तलाश करने चाहिए। लेकिन वजीर आजम ने इसरार किया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए तवाज़ुन बरकरार रखा जाना चाहिए कि कोई भी नया इकदाम ज़्यादा वसी ना हो और चीनी कैनेडियन जैसे कुछ डायस्पोरास ग्रुपों को निशाना ना बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कनाडा को मुश्किल तारीखी तजुर्बात का सामना है, जिनसे हमें सीखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब बात कनाडा में गैर मुल्की एजेंट की रजिस्ट्रीज या गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रियाँ बनाने की हो। गुज़िश्ता आलमी जंगों के दौरान किसी को सिर्फ जापानी शहरियों या जापानी कैनेडियन या अतालवी कैनेडियंस की नज़रबंदी के बारे में सोचना होगा कि हमें उन चीज़ों से बहुत मोहतात रहना चाहिए। गैर मुल्की मदाखलत का मामला मीडिया रिपोर्ट्स के दरमियान जेर बहस रहा है, जिसमें नामालूम सिक्योरिटी ज़राए और खुफिया दस्तावेजात का हवाला दिया गया है, जिनमें चीन ने गुज़िश्ता 2 वफाकी इंतखाबात के साथ साथ वैनकोवर के हालिया म्यूनसिपल इंतखाबात में मदाखलत करने की कोशिश की थी। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरे ग्रोहों जैसे ईरानी कैनेडियन को भी इस तरह निशाना बनाया गया है, इसीलिए हम गैर मुल्की एजेंट की रजिस्ट्री पर मुनासिब तरीके से मशवरा करने के लिए वक्त निकाल रहे हैं और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि हम इसे सही तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 कैनेडियन खवातीन और 3 नौउम्र लड़कियां, जिन्हें वफाकी हुकूमत को रवां माह के अवाइल में शाम के एक हिरासती कैंप से वतन वापस कनाडा लाना था, लापता हो गई हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 2 कैनेडियन खवातीन और 3 नौउम्र लड़कियां, जिन्हें वफाकी हुकूमत को रवां माह के अवाइल में शाम के एक हिरासती कैंप से वतन वापस कनाडा लाना था, लापता हो गए हैं और उनके वकील को खदशा है कि उन्हें किसी कुर्द जेल इससे भी बदतर जगह में रखा गया है। उनके एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर जिट्री अल खतीब का कहना है कि कम अज़ कम एक हफ्ते से किसी ने भी खवातीन की बात नहीं सुनी है। उन्होंने कहा कि आलमी उमूर ने ख़ानदान के एक फर्द को बताया कि वो तबाह शुदा हैं और महकमा लापता कैनेडियंस को तलाश करने की कोशिश में मसरूफ़ है। अल खतीब का कहना था कि हमें बदतरीन सूरत हाल का खदशा है, मैं परेशान हूँ कि आया वो जिंदा हैं या नहीं, हमारे पास कोई मालूमात नहीं है, हम जानते हैं कि उन कैंपों में खवातीन को मारा गया है। अल खतीब ने कहा कि कनाडा में रिश्तेदारों को इस माह के शुरू में शुमाल मशरकी शाम में अल हॉल कैंप में खातून की तरफ से एक अजीब टेक्स्ट पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया था कि खवातीन को 2 अप्रैल को एक फौजी गाड़ी में डालकर कुर्दों के जेरे कंट्रोल तफ्तीशी मुकाम पर ले जाया गया था, जिसे हुक्काम रेड प्रिजन कहते हैं। ये खवातीन 19 कैनेडियन खवातीन और बच्चों के एक ग्रुप में शामिल थी, जिन्हें वफाकी हुकूमत ने कनाडा वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 6 अप्रैल को तैयारे में सिर्फ 14 सवार थे। अल खतीब ने बताया कि लापता होने वाली 2 कैनेडियन खवातीन का ताल्लुक एडमिंटन के इलाके से है और उनकी उम्र 41 और 33 साल है। उन्होंने कहा कि उन खवातीन में से एक की 3 नौउम्र बेटियाँ हैं। हुकूमत ने दिसंबर 2022 में 19 कैनेडियन खवातीन और बच्चों को वतन वापस भेजने के लिए आखिरी लम्हात का मुआहदा किया था। इससे एक दिन कबल फेडरल कोर्ट के जज अपना फैसला सुनाने जा रहे थे कि आया हुकूमत को कैनेडियंस के इस ग्रुप को वापस लाना चाहिए, जिन्हें शुमाल मशरकी शाम में कुर्दों के जेर इंतजाम पनाह गुजीन कैंपों में बरसों से हिरासत में रखा गया था। सूडान में बागी पैरामिलिट्री फोर्स और फौज के दरमियान झड़प के 4th रोज अमरीकी सिफारती अमला भी फायरिंग की जद में आ गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सूडान में बागी पैरामिलिट्री फोर्स और फौज के दरमियान झड़प के 4th रोज अमरीकी सिफारती अमला भी फायरिंग की जद में आ गया।
सूडान में फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के दरमियान जारी इक्तदार की जंग में हलाकतों की तादाद 200 से तजावुज कर गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में इक्तदार की रसाकशी में फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस आमने सामने आ गई। घमसान की झड़पें 3 दिन से जारी हैं और इनमें होने वाली हलाकतों की तादाद 180 से तजावुज कर गई, जबकि 2000 के करीब जख्मी हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस मामले पर सूडान के आर्मी चीफ और बागी पैरा मिलिट्री फोर्स RSF के कमांडर इन चीफ से अलहदा टेलीफोनिक गुफ्तगु भी की। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि सूडान में अमरीकी सिफारती अमले का काफिला बागी पैरा मिलिट्री फोर्सेज की फायरिंग की जद में आ गया। खुशकिस्मती से अमला महफूज रहा। सूडान में 4 रोज से जारी झड़पों में हलाक होने वालों की तादाद 185 हो गई, जबकि 2000 के करीब जख्मी हैं। सूडान में 4 रोज से जारी झड़पें रोकने के लिए कई ममालिक मुतहरिक हो गए हैं। ताहम अक्वामे मुतहदा के नुमाइंदे वॉकर प्रेथिस का कहना है कि फरीकैन बातचीत के लिए आमादा नजर नहीं आते। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुल्की फौज ने बगावत करने वाली पैरा मिलिट्री फोर्स के ठिकानों पर बमबारी की है। दूसरी जानिब फौजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाली पैरा मिलिट्री फोर्स ने दावा किया कि सदारती मकाम खरतूम हवाई अड्डे और दीगर अहम तनसीबात का कंट्रोल हासिल कर लिया है। ताहम फौज ने उन दावों की तरदीद करते हुए कहा कि बागी फोर्स को हर जगह पसवा होने पर मजबूर कर दिया। ख्याल रहे कि यह लड़ाई फौज के कमांडर जनरल अब्दुल अलफता अलबुरहान और RSF के सरबराह जनरल मोहम्मद हमदान दुगालो के दरमियान RSF के फौज में इंजमाम पर कई महीनों तक जारी रहने वाली कशीदगी के बाद शुरू हुई है। तजियाकारों का कहना है कि इलाकाई और आलमी सतह पर जंगबंदी के मुतालबात और सफारतकारों के मुतहरिक होने के बावजूद लड़ाई तवालत इख्तियार कर सकती है। अमरीका के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चाइना टाउन में खुफिया पुलिस स्टेशन चलाने वाले न्यूयॉर्क के 2 रिहायशियों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में चीनी खुफिया पुलिस स्टेशन कायम करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीका के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चाइना टाउन में खुफिया पुलिस स्टेशन चलाने वाले न्यूयॉर्क के 2 रिहायशियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक दोनों अफराद ने मैनहट्टन के इलाके चाइना टाउन में खुफिया पुलिस स्टेशन बनाया हुआ था। इस्तगासा ने बताया कि 61 साल ली जियान वांग और 59 साल चिन जिनपिंग को अमरीकी हुकाम को बताए बगैर चीन की हुकूमत के एजेंट के तौर पर काम करने की साजिश करने और इंसाफ की राह में रुकावट डालने के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया, जिन्हें ब्रुकलिन की वफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि FBI की कार्रवाई में 61 साल लियो जियानबोंग और 59 साल चिन जिनपिंग को हिरासत में लिया गया। प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि गिरफ्तार अफराद को बतौर चीनी एजेंट साजिश करने इंसाफ में रुकावट डालने के इल्जामात का सामना है। वाज़ेह रहे कि चीनी शहरियों पर ये इल्जामात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जहां महकमा इंसाफ ने अमरीका में रहने वाले सियासी मुखालफीन को धमकाने पर चीन और ईरान जैसे मुखालफीन की तरफ से बैन अल-अक़वामी जबर की कोशिशों की तहकीकात की तरफ पेश कदमी की है। इस तकासा ने 1 दर्जन से ज्यादा चीनी शहरियों और दीगर पर अमरीका में मुकीम मुखालफीन के खिलाफ निगरानी और हिरासा करने की मुहिम चलाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किए हैं। टैग TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग TV। News are precise and effective.